अगली खबर में बात करते हैं रीवा की, जहां गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार के मार्गदर्शन में 10 मार्च 2023 से 13 मार्च 2023 तक 108 कुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। उक्त कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए पदाधिकारियों ने बताया कि नव चेतना जागरण गायत्री महायज्ञ संपन्न होने जा रहा है। इसका उद्देश्य समाज में आमूलचूल परिवर्तन करने, वैज्ञानिक पर्यावरण, आध्यात्मिक मानव चेतना को परिष्कृत करने हेतु विराट आध्यात्मिकता प्रयोग में सहभागी बनकर अमूल सहयोग प्रदान करें। कार्यक्रम में कुलपति देव सांस्कृतिक विश्वविद्यालय हरिद्वार डॉक्टर चिन्मय पंड्या मौजूद रहेंगे। शांति कुंज हरिद्वार के विशिष्ट प्रज्ञा पुत्रों द्वारा वैदिक मंत्रों के साथ 4 दिनों तक हवन संस्कार किया जाएगा। साथ ही युवा सम्मेलन में आओ गढ़े संस्कार की पीढ़ी, दीक्षा संस्कार जैसे कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आइए सुनते कार्यक्रम के संबंध में जानकारी देते हुए आयोजकों ने क्या कहा। हमारा विचार क्रांति अभियान यही को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ पर, ना कोई भ्रष्टाचारी हो। द्वेष दंभ छल मिटे यहाँ, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। हमारा हेडक्वार्टर है वहाँ, सैल जी प्रणव पंड्या जी इसके संचालक हैं। वहाँ से हम लोगों को 108 कुंजी यज्ञ आयोजन का निर्देश रीवा में प्राप्त हुआ है। अब वह यज्ञ दिनांक 10 मार्च से 14 मार्च के बीच में होना है। 10 को कलश यात्रा होगी, इसके बाद संस्कार और दीक्षा, इस तरह के सारे कार्यक्रम होंगे। यज्ञ होगा, दीप यज्ञ होगा और उसका आयोजन किया गया है, जिसमें हमारी शांति कुंज से टोली आएगी और उनके द्वारा ये यज्ञ संपन्न कराया जाएगा। ये कहाँ पे यज्ञ होगा? इंजीनियरिंग कॉलेज के सामने मैदान। कौन से कॉलेज के सामने? इंजीनियरिंग कॉलेज। कार्यक्रम के रूपरेखा बता। 10 तारीख को 11 बजे से कलश यात्रा होगी। बहनें कलश लेकर के और शहर के विभिन्न भागों से गुजरेंगी, ले जाके वहाँ उनकी स्थापना की जाएगी और फिर शाम को प्रवचन होगा। और 11 तारीख को सुबह से कलश पूजन और इसके बाद यज्ञ का पूजन होगा 1.5 घंटे, इसके बाद हवन चालू होगा। तो 11-12 बजे तक हवन होगा, इसके बाद भोजन का इंतज़ाम रहेगा। दूसरी टाइम फिर से दीप यज्ञ होगा, प्रवचन होगा। किनके द्वारा प्रवचन किया जाएगा जी? प्रवचन किनके द्वारा होगा? हरिद्वार से आए हुए जो हमारे रहेंगे, चिन्मय जी का तो एक ही दिन होगा, बाकी जो हमारी टोली आएगी उसके द्वारा किया जाएगा। कितने दिवसीय कार्यक्रम? 4 दिवसीय कार्यक्रम। इसमें प्रमुख आकर्षण है देव संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलाधिपति आदरणीय चिन्मय पंड्या जी पधारेंगे। वो 12 या 13 तारीख को आएंगे। मुख्य अतिथि वगैरह कौन रहेंगे? मुख्य अतिथि हम लोगों ने अभी डिसाइड नहीं किया है, फिर यहाँ अपना तय करके बुलाएंगे। हमारा प्रयास है कि मुख्यमंत्री को बुलाएं। कितने वर्षों बाद ये गैदरिंग कुंड का? ये हमारे ख्याल से 4 वर्ष बाद हो रहा है। 10 वर्ष से ज़्यादा। 108 हाँ, इतना बड़ा है कि 10 वर्ष लगभग हो गया। 1000 कलश धारण करेंगी बहनें, और हमारा मुख्य जो उद्देश्य है उसमें 1 दिन का कन्या कौशल शिविर रहेगा। कन्याओं को उसमें कॉलेज की छात्राएं, स्कूल की छात्राएं रहेंगी, जिनको अच्छी शिक्षा की माध्यम से उनको शिविर आयोजित किया जाएगा और सब तरह का उनको शिक्षा दी जाएगी। और 1 दिन जो है पुष्पन संस्कार, और क्या बोलते हैं पुष्पन संस्कार यानी आओ गणेश संस्कार।
जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको ये उनका संस्कार कराया जाएगा और बच्चों का विद्यारंभ संस्कार और जन्मदिन संस्कार विवाह दिवस आदि सारे जो संस्कार हैं वो पूरे निःशुल्क किए जाएंगे, पूरे सब निःशुल्क किए जाएंगे। और दीक्षा संस्कार भी जितने भी अपने 16 संस्कार जो होते हैं, 16 संस्कार में जो लास्ट वाले संस्कार छोड़ के बाकी सभी संस्कार जो अपने किए जाते हैं सभी संस्कार यहाँ पर कराए जाएंगे पूरे निःशुल्क। तो आप सभी से निवेदन है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए ताकि इसका लाभ हमारे पूरे रीवा वासियों को और पूरे जिले वासियों को, तहसील वालों को, सभी को इसका पूरा लाभ प्राप्त हो सके। यही हमारा आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों को बुलाने का तात्पर्य भी यही है जी कि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रचार हो सके।